खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सीधे रुख करेंगे, देखिए खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मैं जल्दी से आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल के सिन्हा आपको देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और हमारे साथ पूर्व राजनयिक सुरेश कुमार गोयल जी भी आज की चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ प्रणय उपाध्याय, न्यूयॉर्क से इस वक्त सीधे हमारे साथ मौजूद है। प्रणय, कल जिस तरीके से दुनिया को गुमराह करने की एक कोशिश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ने की, आज उसका बड़ा ही सटीक और सिलसिलेवार तरीके से जवाब भारत की तरफ से दे दिया गया। रोमाना, न केवल जवाब दिया गया बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को हकीकत का वो आईना दिखाया गया जिसमें पाकिस्तान की तस्वीर उन्हें बेहद काली नजर आई होगी, क्योंकि ये वो सच की तस्वीर थी जो भारत ने आज संयुक्त राष्ट्र संघ में राइट टू रिप्लाई में दिखाने की कोशिश की। जो दावे 50 मिनट के भाषण में इमरान खान ने किए, उन दावों की हकीकत किस तरह की है और वो ज़मीन पर किस तरह के नज़र आते हैं, ये साफ अमेरिका के उदाहरणों के साथ, जो विदिशा मैत्रा हैं भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी, इंडियन डिप्लोमैट हैं, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने रखे, ये बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के हबीब बैंक को अमेरिका के अंदर अपनी दुकान बंद करनी पड़ी क्योंकि उसकी लिंक्स टेरर फाइनेंसिंग से जुड़ी हुई थी। किस तरीके से ये बताया कि पाकिस्तान अपने आप में अकेला ऐसा देश है जो कि आतंकवादियों के लिए भी पेंशन का इंतज़ाम करता है। किस तरीके से भारत ने ये बताया अपने राइट टू रिप्लाई के अंदर कि पाकिस्तान इस बात का जवाब दे कि आखिर क्यों उसके यहाँ पर 143 से ज़्यादा आतंकवादी मौजूद हैं। ये सारे वो तथ्य हैं जो कि यूएन रिकॉग्नाइज्ड तथ्य हैं, ये वो सारे तथ्य हैं जिसे पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी मानती है। तो तस्वीरों में, अपनी बातों में, अपने दावों में, अपने भाषणों में इमरान खान चाहे जो कहना चाहे, लेकिन ये वो सारे सवाल हैं, क्या इनका जवाब पाकिस्तान हकीकत के साथ, सच्चाई के साथ और बेबाकी के साथ दे सकेगा, ये वो सवाल हैं जो भारत ने उठाए हैं और ये वो सारे सवाल हैं जो दुनिया भी पाकिस्तान से पूछती है। तो रोमाना, निश्चित रूप से भारत की तरफ से एक करारा जवाब दिया गया पाकिस्तान और पाकिस्तान के उन दावों को जो दुनिया भर में वो घूम घूम के देने की कोशिश कर रहे हैं, और पहली बार यूएन के मंच से पहुंचकर जिस तरीके का भाषण इमरान खान ने दिया वो अपने आप में विश्व शांति के इस सबसे बड़े मंच के मानकों और पैमानों से भी बेहद नीचे स्तर का है, क्योंकि युद्ध की बात करके, यहाँ पर हथियारों की बात करके, लड़ाई लड़ने की बात करके और परमाणु हथियारों की बात करके इमरान खान ने निश्चित रूप से साबित किया है कि किस तरीके से वो युद्धोन्माद के प्रति ज़्यादा आकर्षित हैं बजाय शांति के। आप जो बात कह रहे हैं जरा दिखा देते हैं हम दर्शकों को, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान से भी मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने जा रहे हैं। उमर अल्ताफ साहब को आप देख रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में। मैं ये बातचीत शुरू करूं उससे पहले आपको दिखाती हूं कल यूनाइटेड नेशंस में मोदी और इमरान ने यूएन में क्या कहा, ये जरा सुनिए पहले, फिर चर्चा शुरू करेंगे। यूएन पीस कीपिंग मिशंस में सबसे बड़ा बलिदान अगर किसी देश ने दिया है तो वो देश भारत है। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है, और इसलिए हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। इफ दिस गोज रॉन्ग यू होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। इफ अ कन्वेंशनल वॉर स्टार्ट्स बिटवीन द टू कंट्रीज, मिस्टर प्रेसिडेंट, इफ अ कन्वेंशनल वॉर स्टार्ट्स and it could, anything could happen, but supposing a country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice, either you surrender or you fight for your freedom till death, what will we do? I ask myself this question, and my belief is la ilaha illallah, there is no god but one, and we will fight. And when
And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. और आइए सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। पाकिस्तान से उमर अल्ताफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमर साहब, कल जिस तरीके के संबोधन रहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के, तो मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध की बात, वॉर की बात जिस तरीके से इमरान खान कर रहे थे, एक बार फिर पाकिस्तान ने खुद अपना स्तर, अपना लेवल दुनिया को दिखा दिया सर, इस तरीके की बातें करके। इमरान खान ने तो जो यूएन के प्लेटफॉर्म से जो भारत को पैगाम दिया है कि भारत कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस खत्म करे, पाकिस्तान से जंग की बात बंद करे, भारत के सारे नेता जो हैं, अमित शाह हो जाए, राजनाथ सिंह हो जाए, एस जयशंकर हो जाए, सारे जंग की बात कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान जंग की शुरुआत नहीं करेगा। ये भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किया, मगर अगर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा, पाकिस्तान आखिरी सिपाही आखिरी खून के कतरे तक लड़ेगा। ये मैसेज पाकिस्तानी सेना भी दे चुकी है और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भी दे चुके हैं। इसलिए भारत को हम इस बात से रोक रहे हैं कि आप कश्मीर में हालात सुधारिए ताकि कश्मीर के लोग आपके खिलाफ रेडिकलाइज होके भारत को टारगेट। अल्ताफ साहब, अल्ताफ साहब, फिर पाकिस्तान, अल्ताफ साहब, फिर पाकिस्तान के खिलाफ, अल्ताफ साहब, अल्ताफ साहब, फिर हमें भी अभिनंदन वाला, अभिनंदन जैसा वाक्य हो जाएगा, अल्ताफ साहब गिराने पड़ेंगे। सुन लीजिए, आराम से बात करने के लिए आप आए, आप बात करने के लिए आए सर, हमारी कुछ सुनेंगे तभी फिर आगे जवाब देंगे और तभी आगे बात का सिलसिला बढ़ पाएगा। जी जी जी, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, मैं आपसे बस ये जानना चाह रही थी सर कि भारत की तरफ से तो दुनिया को यही संदेश दिया गया है कि हमने दुनिया को युद्ध नहीं दिया है साहब, हमने तो दुनिया को बुद्ध दिया है। मैं उम्मीद करती हूं कि आप इसके मायने समझते होंगे। आगे मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जब पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों के बहाने, मैं बहाने शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, वो कश्मीरियों के बहाने मानव अधिकार का ढोंग रचता है, तो फिर वो अंग्रेजी में कहा जाता है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आप लोगों को क्या अपने यहां जो माइनॉरिटीज हैं कभी उनके मानव अधिकार का ख्याल नहीं आता है? जो हमने यूएन में बताया भी कि साहब जब सिलसिला शुरू हुआ था पाकिस्तान का, 23% इनके यहां माइनॉरिटीज थी और आज सिमट के कहां रह गई हैं सर, 3% का आंकड़ा दिया गया यूएन के अंदर आज। ये है आपकी हकीकत। आपके यहां बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, आपके यहां पश्तूनों के साथ क्या हो रहा है, आपके यहां अहमदियों के साथ क्या होता आया है, आपके यहां शियाओं के साथ क्या होता आया है। इसीलिए सर जब आप मानवाधिकार की बात करते हैं कश्मीरियों के संदर्भ में, तो फिर भारत दुनिया को यह बताता है कि साहब ये पाकिस्तान कश्मीरियों के हक की बात नहीं कर रहा है, दरअसल ये कश्मीर को एक जमीन के टुकड़े के तौर पर देख रहा है और ये उस जमीन के टुकड़े को कब्जाना चाहता है। सर आप बेनकाब होते हैं, मैं ये कह रही हूं। तो आप कश्मीर को समझ रहे हैं, कश्मीर का कब्जा तो आपने कर लिया मगर लोगों के दिलों पे तो नहीं आप कब्जा कर सके ना। 370 लगाने से आपने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बढ़ा दिए कश्मीर में, कर्फ्यू आप हटा नहीं रहे। आप कश्मीर में कर्फ्यू हटा दीजिए, कश्मीर में ह्यूमन राइट्स रिस्टोर कर दीजिए, पाकिस्तान का तो आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाएगा। आप सर आप पहल कर दीजिए ना। सर मैं वही तो कह रही हूँ, ह्यूमन राइट्स की बात करने का पहली बात तो ये कि आपको हक ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के लिए तो पहले आप अपना घर ठीक कर लीजिए सर। दूसरी बात यह कि अब जिस तरीके से इमरान खान कश्मीर के मसले पर बार बार मुसलमान मुसलमान राग अलापते हैं, बार बार इस्लाम का जिक्र करते हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहां पर भी इमरान खान फेल हो रहे हैं? क्योंकि खुद इमरान खान को ये बड़ा संदेश दुनिया की तरफ से दिया जाता है, यूएस की तरफ से दिया जाता है कि साहब आप इतने बड़े मुसलमानों के खैरखा बन रहे हैं और चीन में क्या हो रहा है मुसलमानों का हाल, उसके बारे में तो कभी इमरान खान की जुबान नहीं खुलती है। इसीलिए मैंने कहा ना कि चीन के मुसलमानों के लिए तो कभी इमरान खान आवाज नहीं उठाते, कश्मीर के लिए जो इमरान खान आवाज उठाते हैं, ये क्या बार बार दुनिया को नहीं दिखाता है कि दरअसल पाकिस्तान की कश्मीर की जमीन के लिए नीयत खराब है, कश्मीर पर आप लोगों की गंदी नजर है, इस वजह से आप किसी भी तरीके से कभी मानव अधिकार को ढाल बनाकर, कभी मजहब को ढाल बनाकर कश्मीर के मुद्दे को, जवाब देने कश्मीर के मुद्दे को भड़काए रखना चाहते हैं।
तो यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बोले हर झूठ को भारत ने बेनकाब किया। हम सीधे रुख करेंगे बिना वक्त गवाए, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं सैयद जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता से जानना चाहती हूं, जफर साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान कभी मानवाधिकार कभी मजहब इन दोनों हथियार के जरिए कश्मीर के मुद्दे को दुनिया में भुनाने की कोशिश कर रहा था, भारत ने दोनों ही हथियार की धार कुंद कर दी है पाकिस्तान के? देखिए, पाकिस्तान आज एक वैसा मुल्क है जो पूरे तौर से पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। कल के जो उनके वज़ीर आज़म की स्पीच थी, स्पीच नहीं रैंट था, और रैंट में जो उन्होंने जिस तरह की बातें कही, मुझे बहुत डर लगता है कि फिर से एक बार उसामा बिन लादेन जिंदा हो गया है। उसामा बिन लादेन की आप वीडियो देखी पुरानी, जिस बातों को उसने दोहराया था और उसके बाद दुनिया का सबसे ड्रेडेड टेररिस्ट बना और उसकी मौत कैसे हुई सबको मालूम है। वही पाकिस्तानी वज़ीर आज़म टेररिस्तान जो बोलते हैं, टेररिस्तान के वज़ीर आज़म उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे जो एक बहुत बड़ा टेररिस्ट ने पहले अपनी शुरुआती ज़िंदगी में उसने किया था। तो इस दुनिया के सामने उन्होंने पूरे नकाब अपने आप को बेनकाब किया है अब कि वो एक टेररिस्तान के प्रधानमंत्री, ना कि एक ऐसे मुल्क जहाँ पर सिविल सोसाइटी एग्जिस्ट करती हो और उसके उसके बारे में चिंतित हो। अब ये कहते हैं कि मुस्लिम, हिंदुस्तानी मुस्लिम के बारे में बात करते हैं, कश्मीरियों के बारे में बात करते हैं। अरे भाई, पहले अपने गरीबा में तो झांक के देखो कि तुम क्या कर रहे हो। कश्मीरी मुस्लिम तो खुश है, हिंदुस्तानी मुस्लिम खुश है, आप जो है बेगाना जो है अब्दुल्ला जो है दूसरे की शादी में दीवाना हो रहा है। मैं तो पूछता हूँ कि आप जरा बलूचिस्तान में क्या कर रहे हो, देखो जो हमारे भाई बहन जो पीओके में जो आपने हमारे जो कश्मीर का एरिया जो आपने कब्जा में रखा है उस पर किस तरह से आप बर्बरियत कर रहे हैं, आप जिस तरह से अट्रॉसिटीज़ कर रहे हैं, किस तरह से आप तकलीफ दे रहे हैं वहाँ के हमारे भाई बहन कश्मीरी भाई बहनों को, ज़रा उन पर नज़र करो किस तरह से आईएसआई और आर्मी जो कर रही है। तो पूरे तरह से बेनकाब हो गया हिंदुस्तान, वो बड़ी बात आप जो कह रहे हैं वो बड़ी बात। इसी पर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, मुझे ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। देखिए, समझना होगा मेरे दर्शकों को भी इस बात को कि भारत जो है वो बार बार सच्चाई पाकिस्तान को दिखा रहा है, पाकिस्तान की जो असलियत है वो दुनिया के सामने ला रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से क्या करने की कोशिश की जा रही है? पाकिस्तान की तरफ से एक हाइपोथेटिकल, मतलब एक काल्पनिक जो दुनिया है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है पूरे विश्व को कि देखिए ऐसा हो जाएगा, कश्मीर में ये हुआ तो ये हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर पाकिस्तान की जो पूरी थियरी है वो हाइपोथेटिकल, वो काल्पनिक है। इसी वजह से तो हम कह रहे हैं कि दुनिया को युद्ध का डर दिखा रहा है पाकिस्तान। बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी, सीधे रुख करेंगे हम। मेजर जनरल के सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सिन्हा साहब, एक तो भाषण ही यूएन में इमरान खान का काफी था पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए, और उसके साथ साथ भारत ने राइट टू रिप्लाई के जरिए जिस तरीके से सवाल दागे पाकिस्तान पर, उसके बाद तो कहीं का नहीं छोड़ा है पाकिस्तान को। देखिए रोमाना जी, ये पाकिस्तान के खास करके इमरान खान नियाजी की धज्जी उड़ा दी, जिस तरह से हमारी फर्स्ट सेक्रेटरी ने विदेशा मेत्रा ने जवाब दिया है। वो केवल उनको एक्सपोज नहीं कि ऐसे तीखे सवाल उठाए, 130 यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की बात की, 23 एक जो आतंकवादी संगठन है उसके बारे में याद दिलाया, कैसे बताया कि ब्लास्फेमी लॉ के तहत कैसे अत्याचार कर रहे हैं, कैसे 23 जो परसेंट होती थी माइनॉरिटी उसको 3% में ले आए। इमरान खान जो भड़काऊ भाषण दे करके बार बार बोलते हैं कि 1.3 बिलियन मुस्लिम को भड़काना चाहते हैं, परमाणु बम की धमकी देना चाहते हैं, एक भारत जो कहता है कि बुद्धों का देश है शांति की बात कर रहा है, और एक युद्ध की बात, और वो भी परमाणु। और आप देखिए जो सबसे बड़ी बात खुलकर आई है, वो उन्होंने याद दिलाया 1971 के उसी नियाजी का, जिसके इमरान खान नियाजी हैं, उन्हीं नियाजी के जो सल्तनत थी उसी की याद दिलाई कि कैसे उन्होंने उस समय ह्यूमन राइट वायलेशंस की थी, कैसे उस देश का टुकड़ा हो गया। आज वही पाकिस्तान उसी भाषा में उसी तर्ज के ऊपर वो बातें कर रहा है जी। और क्या कहता है, पूरे पूरे देखिए, उन्होंने तो पूरे यूएन के मंच को ही कलंकित कर दिया।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसी वजह से तो भारत ने ये जो 5 सवाल रखे हैं दुनिया के सामने। उमर साहब, पाकिस्तान से जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से मैं कहना चाह रही हूँ कि उमर साहब, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ, और जब लौटूंगी तो ये जो हमने 5 सवाल रखे हैं ना, इनमें से किसी सवाल का अगर जवाब हो तो सर देने की जरूर कोशिश कीजिएगा, अगर दे पाए आप तो। बुद्ध के रास्ते भारत, बम के रास्ते पाकिस्तान, दुनिया ने यह हकीकत कल यूनाइटेड नेशंस में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के संबोधन के जरिए समझ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बताया कैसे भारत विश्व कल्याण के मार्ग पर अगुवाई करते हुए आगे बढ़ रहा है। आतंकवाद शब्द का सिर्फ 3 बार उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन अपने 50 मिनट तक बोलने वाले भाषण में इमरान खान जनता के कल्याण के लिए 1 शब्द नहीं बोले। हम मानते हैं कि ये किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की और मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आतंक के नाम पर बटी हुई दुनिया उन सिद्धांतों को ठेस पहुंचाती है जिनके आधार पर यूएन का जन्म हुआ, और इसलिए मानवता की खातिर आतंक के खिलाफ पूरे विश्व का एकमत होना, एकजुट होना मैं अनिवार्य समझता हूं। आफ्टर 9/11 इस्लाम वॉज सपोज टू बी इक्वेटेड विद टेररिज्म, विद सुसाइड अटैक्स। Because the 9/11 bombers did a suicide attack, all sorts of theories came up that the Muslims are involved in suicide attacks because they will get virgin in heavens. Some came up with, what about women, suicide attackers? So this bizarre thing happened. We, no one explained. Suicide attacks and Islam were equated. No one did research that before 9/11, the majority of suicide attacks in the world were by Tamil tigers, who were Hindus. No one blamed Hinduism, and quite rightly. What has Hinduism got to do with what desperate people were doing in Sri Lanka? तो आपने देखा किस तरीके से लगातार इमरान खान की तरफ से दुनिया भर को एक डर दिखाने की कोशिश की गई। बार बार धर्म, मजहब, मुसलमानों का कार्ड जो इमरान खान की तरफ से खेलने की कोशिश की गई। हम बिना वक्त गवाए सीधे रुख करेंगे अपने खास मेहमानों का। मैं गोयल साहब के पास जाऊं, उससे पहले जल्दी से एक रिएक्शन पाकिस्तान से जो गेस्ट हमारे साथ हैं उमर अल्ताफ साहब, उन्हीं से लेना चाहूंगी। अल्ताफ साहब, कल के भाषण पर जिस तरीके से भारत की तरफ से सवाल पूछे गए, अच्छा एक सवाल का जवाब दे पाएंगे आप, क्या इस हकीकत से पाकिस्तान इनकार कर सकता है? 130 आतंकवादी, 25 आतंकवादी संगठन आज भी पाकिस्तान में सर, और आप लोग बात करते हैं आतंक की, अपने घर से तो आतंक का खात्मा कर दीजिए पहले। रोमाना जी, आपको किसने फिगर्स दिए ये दहशतगर्दों के बारे में पाकिस्तान में, या आप कहां से फिगर्स लेंगे? पाकिस्तान तो ऑपरेशन कर रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ। देखें के सिन्हा साहब, आप अपनी बात में, आप अपनी बारी में बोलिएगा, आप अपनी बारी में बोलिएगा। यूएन के लिस्ट देखिए, गूगल कीजिए, गूगल। आप पूछ रहे हैं ना रोमाना पे, किसने लिस्ट दिया? गूगल ने दिया। अरे मेरे भाई, झूठों के पुलिंदे इमरान खान। अरे इमरान खान नियाजी झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। रोमाना की शो में बैठ करके झूठ बोलने की, आपको पहले लिस्ट किसने दिया? सर, हम सब जानते हैं सर इनकी बौखलाहट, हम सब जानते हैं सर कि ये कभी सच का सामना नहीं करना चाहते, इसी वजह से ये लोग सच सुनकर इस तरीके से बिलबिलाते हैं। हम जानते हैं सर, दुनिया के सामने यूएन के अंदर भारत की तरफ से आंकड़े दिए गए, यूएन के फिगर्स हैं, लेकिन मैं समझ सकती हूँ अल्ताफ साहब की मजबूरी कि वो यहाँ पर सीधा जवाब उनके पास क्योंकि है नहीं, तो वो इसी तरीके से दुनिया को गुमराह करेंगे। एक मिनट अल्ताफ साहब आऊंगे आपके पास सर, मेरे पास और सवाल हैं,
बहुत सवाल हैं और मैं तो चाहती हूँ आप सीधे जवाब दे दें, आप देते नहीं है ये अलग बात है। मैं जरा सा गोयल साहब का रुख कर लूं, आ रही हूँ अल्ताफ साहब, आ रही हूँ अल्ताफ साहब, आ रही हूँ, चीखना चिल्लाना नहीं है, आराम से बात करेंगे गोयल साहब। लेकिन पहले जरा सा आपसे समझना चाहती हूँ, किस तरीके से भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जिसने दुनिया को बताया कि हम कैसे विश्वगुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ खुद इनके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का संबोधन, उसने खुद दुनिया के सामने ये साफ कर दिया ना सर कि पाकिस्तान की हकीकत क्या है, हमें तो आगे कुछ कहने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। गोयल साहब सही कह रही हूं जी? मैं दो तीन छोटी छोटी बातें कहूंगा आपसे इस सिलसिले में कि जो प्रधानमंत्री का भाषण था UNGA में, जैसा कि आपने पहले बताया है, एक जो ग्लोबल लीडर के तौर पर उन्होंने भाषण दिया कि भारत अब एक ग्लोबल विजन है, ग्लोबल लीडर है, और वो इस ग्लोबल लीडर के तौर पर भारत जो पूरे विश्व की समस्याएं हैं उनके बारे में बातचीत करता है। उन्होंने जो बात करी आतंकवाद वो भी वैश्विक स्तर पर करी, क्लाइमेट चेंज की बात करी। तो प्रधानमंत्री मोदी का कद भाषण के बाद एक ग्लोबल लीडर के रूप में सामने आया। बिल्कुल, अगर हम उसके बराबर में सुने जो इमरान खान साहब का भाषण था, इमरान खान का भाषण एक चेतावनी दे रहा था, धमकी दे रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा जी। सबसे बड़ी चीज मैं चाहता हूं कि इसके बारे में गौर किया जाए कि कश्मीर के अलावा उन्होंने पूरे विश्व को एक धमकी दी है कि जो हो रहा है कि ये इस्लामोफोबिया बन रहा है, उसे पूरे विश्व के सामने चुनौती खड़ी हो रही है। हाँ जी। अब ये जो इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं, ये कौन से इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं समझ में नहीं आता मेरे को। जो सीरिया में हो रहा है या यमन में हो रहा है या लीबिया में हो रहा है या अफगानिस्तान में हो रहा है, वो इस्लामोफोबिया है या आतंकवाद है जी? या आइसिस का आइसिस कहां से आया है ये? तो मेरे ख्याल है इमरान खान साहब को बजाय मजहब के देखना ये चाहिए कि एक बड़े संकीर्ण राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वो जो आतंकवाद का सहारा लिया जा रहा है, उससे खाली एक देश को नुकसान ही, बाकी पूरी दुनिया को ही नुकसान हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण, तो हमें जो है जो एक इस्लामोफोबिया बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, इसी को मैं लेकर चलूंगी उमर अल्ताफ साहब के पास। मुझे ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, मुझे ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, और उमर अल्ताफ साहब जब मैं लौटूंगी ना ब्रेक के बाद, तो मैं आपसे ही इस सवाल का जवाब लूंगी सर, जरूर दीजिएगा कि क्या धर्म के साथ आतंकवाद को जोड़ने का जो गंदा खेल इमरान खान की तरफ से किया जा रहा है, ये पाकिस्तान के हित में है? और क्या बेहतर नहीं होगा कि पहले पाकिस्तान के ही नेता बन जाए इमरान खान, पाकिस्तान की ही जो असली जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए काम कर लें, विकास के रास्ते पर जरा सा पाकिस्तान की गाड़ी कोई धक्का लगा दे, क्योंकि दुनिया देख रही है क्या हाल है पाकिस्तान का। क्योंकि जब वो मुसलमानों के नाम पर दुनिया के सामने ढोंग करते हैं ना सर, मैं ढोंग शब्द का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी से कर रही हूं, जब वो मुसलमानों के नाम पर दुनिया के सामने ढोंग करते हैं, तो उन्हें चाइना में मुसलमानों की जो हालत है उस पर उनकी चुप्पी का ही आईना दिखा दिया जाता है, उससे बेनकाब हो जाते हैं इमरान खान। बुद्ध के रास्ते भारत, बम के सहारे पाकिस्तान। हम सीधे रुख करेंगे खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं KK सिन्हा साहब। वैसे बड़ा दिलचस्प सर, एक तरफ पाकिस्तान जो खुद दुनिया के सामने कबूलता है कि साहब कश्मीर पर वो थक चुका है, हार चुका है, वो निराश है, हताश है, दुनिया में कोई उसका साथ नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी कश्मीर का राग अलापने से चूकता नहीं। देखिए रोमाना जी, ये जो इमरान खान न्याजी हैं, वो 23 आतंकवादी संगठन जो है उसके एज ए लीडर की तरह बात करते हैं, जब वो जस्टिफाई करते हैं टेररिज्म को, जब वो भड़काते हैं, भड़काने की चेष्टा करते हैं 1.3 बिलियन मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड को, वो 9/11 को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप उनके बयानों को देखिए, उनके जो UN के मंच में ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, वो 9/11 को जस्टिफाई करते हुए दिखाई देंगे। वो परमाणु बम की केवल धमकी ही नहीं, वो ब्लड बाथ की बात कर रहे हैं। ये कश्मीर में कहते हैं कि ब्लड बाथ होगा, पुलवामा अटैक होगा। आप बताइए कि एक देश का जो नेता, जहां पर रोटी के रोटी के लिए लोग मुहताज हैं, वहां उस देश का नेता इस तरह की बातें करता है, तो क्यों नहीं UN के मंच से इन्हें ही क्यों नहीं टेररिस्ट का नेता आप मुकर्रर किया जाए इनको, जब वो जस्टिफाई करते हैं इन चीजों को।
आज वो कहते हैं इस्लामिक देश का वो लीडरशिप लेना चाहते हैं, और किस तरह से, एक टेररिस्ट नेशन की तरह से। मेरे ख्याल से पूरे इस्लामिक कंट्री 53 कंट्रीज जो हैं, एक कंट्री केवल छोड़ करके कोई सपोर्ट नहीं करता। सर सर आप बड़ी बात कह रहे हैं, अल्ताफ साहब आप समझ रहे हैं, अल्ताफ साहब आप समझ रहे हैं, अब पाकिस्तान जो है वो इस तरीके से कॉर्नर्ड हो चुका है दुनिया के सामने सर, कि वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भर में ये रेजोल्यूशन पास किया जाएगा कि पाकिस्तान नहीं साहब, ये है ही टेररिस्ट। देखें आप पाकिस्तान को दहशतगर्दी से मत जोड़िए, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप, मैं नहीं जोड़ी हूँ, ये तो खुद हकीकत है, ये तो हकीकत है ना सर। गुजरात में मुसलमान, सर आप मुझे बताइए 130 आतंकवादी, सर आप पता नहीं कौन सी काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, आप पता नहीं कौन सी काल्पनिक दुनिया में रहते हैं सर, जो मुद्दा होता है उसको भटकाने के लिए आप इस तरीके के तर्क लाते हैं जो तर्क होते नहीं है, कुतर्क होते हैं सर। सर मैं इन कुतर्कों में आपके साथ नहीं पढ़ सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान को खुद समझना होगा इस हकीकत को कि दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है।